हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल डिजिटल देवभूमि में। तो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फाइनली उत्तराखंड पुलिस का रिजल्ट आउट कर दिया गया है, जिसमें 1520 लगभग अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। पूरी जानकारी जानेंगे। साथ ही जो BRP और CRP के पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे, इनकी योग्यता तय की जा रही है। आखिरकार जो PhD है उन्हें वरीयता क्यों दी जा रही है? इससे क्या होगा कि BEd वालों का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और उनको वरीयता दी जाएगी और BEd वाले बेरोजगार ही रह जाएंगे। और साथ ही रक्षक जो भर्ती हुई है वो 21 मई को हो चुकी है, और इसमें करीबन 62% लोग यानी 60+ से अधिक लोग जो हैं इन्होंने परीक्षा छोड़ी है। पूरी जानकारी मैं आपको बताऊँगा। साथ ही प्रवक्ता जो भर्ती है उसकी नए विज्ञापन अभी आपको जल्द ही देखने को मिल सकते हैं और इसके पद भरे जाएंगे। पूरी जानकारी जानेंगे, बने रहें एंड तक। तो दोस्तों, इंटर कॉलेजों में प्रवक्ताओं के पद बढ़ेंगे। राज्य में हाई स्कूल के उच्चीकरण पर इंटरमीडिएट बने कॉलेजों में प्रवक्ताओं के पद बढ़ाई जाएंगे। जिन कॉलेजों में प्रवक्ता के पद सिर्फ 5 पद हैं, वहाँ पद संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने सभी CEO को पद सृजन के प्रस्ताव बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। CEO स्कूलवार सत्यापन करने के बाद छात्र संख्या के अनुसार नए पदों का सृजन करेंगे। तो छात्र संख्या जहां ज़्यादा होगी वहां पे नए पदों का सृजन करने का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालयों को भेजा गया है। और सरकारी माध्यमिक शिक्षा में रेगुलर शिक्षकों के पद काफ़ी कम हैं, ऐसे में फिलहाल अतिथि शिक्षक की व्यवस्था के तहत काम चलाया जा रहा है। तो देखिए, पद कितने बढ़ाए जाएंगे यहाँ पे। कैंडर प्रधानाचार्य की स्वीकृत है 1387 और रिक्त पद हैं आपके 1007, और प्रधानाध्यापक के 918 स्वीकृत हैं, 575 आपके क्या है रिक्त पद हैं। प्रवक्ता 12495 यहाँ पे क्या हैं आपके स्वीकृत हैं, 3272 आपके क्या हैं रिक्त पद हैं। LT की बात करें तो 17000 के करीबन हैं और रिक्त पद जो है 2180 हैं। तो इस तरह से यहाँ पे प्रवक्ता की पद भरे जाएंगे, साथ ही यहाँ पे ये सारे पद भी भरे जाने वाले हैं। तो अगली है BRC और CRP भर्ती में BEd वालों को ही करें शामिल, इसके बारे में बैठक चल रही है। तो ये भी देखेंगे कि उत्तराखंड BEd जो है प्रशिक्षित युवा संघ है ने जुड़े जो प्रशिक्षितों ने BRC और CRP पदों को भर्ती प्रक्रिया में BEd MEd PD PhD के साथ ही जो है BEd MEd जिसने किया MA किया है जिसने शिक्षा शास्त्र को मैं भी वरीयता में शामिल करने की बात की गई है शामिल करने की मांग की गई है। यहाँ आयोजित बैठक में महासंघ प्रवक्ता अरविंद डुडपुड़ी ने कहा कि सरकार ने BRC और CRP में आउटसोर्सिंग के माध्यम से पदों को भरने का निर्णय लिया है। इसमें MEd और PhD धारकों को ही वरीयता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि MEd जो शिक्षा शास्त्र में है और BEd प्रशिक्षुओं को भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से BRC और CRP की भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। तो इसमें शिक्षा शास्त्र जिसने MA में किया है उनको भी यहाँ पर शामिल करने की बात हुई है, और साथ ही BEd को इसमें शामिल किया जाएगा। ये इनकी योग्यता मानक तय की जा रही है। इनका वेतन प्रतिमाह 40,000 रहेगा, काफ़ी बेस्ट है यदि आपने BEd किया है तो। फाइनली उत्तराखंड पुलिस का भी रिजल्ट आउट कर दिया गया है, फाइनल लिस्ट जारी की गई है, और इसमें 1520+ अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। 18 दिसंबर को ये परीक्षा कराई गई थी, लिखित परीक्षा, और 5 महीने के अंतराल में इन्होंने ये सारे प्रोसेस कराई। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल एंड लिखित परीक्षा, सारी परीक्षाएं कराने के बाद इनका सिलेक्शन हो चुका है। और फाइनल जिनका सिलेक्शन हो चुका है उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि फायरमैन की कट ऑफ थी सबसे ऊपर थी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये रिजल्ट आउट कर दिया है, आपने रिजल्ट देख लिया होगा अपना फाइनल। फाइनली 21 मई को सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा री एग्जाम करा दिया गया है, और इसमें 62% रहे गैर हाजिर। पेपर लीक परिसंस्करण के बाद ये पहली परीक्षा थी UKSSC की। पेपर लीक परिसंस्करण के महज 10 माह बाद ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा कराई गई, जिसमें 62% अभ्यर्थी जो है गैर हाजिर रहे। यहाँ पर आयोग ने यह परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की।
सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्वक हुई। रविवार को आयोग ने अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल और पौड़ी में 62 केंद्रों पर ये परीक्षा कराई थी और सचिवालय रक्षक परीक्षा का आयोजन 11 बजे से किया गया था। परीक्षा के लिए 25,806 अभ्यर्थियों का पुरस्कृत जारी किया गया, जिसमें से सभी केंद्रों पर 9,939 यानी कुल 37.9% अभ्यर्थी ही शामिल यहाँ पर हो पाए। 37% लोगों ने यहाँ पर परीक्षा दी और 65% लोगों ने यहाँ पर परीक्षा नहीं दी। सचिवालय रक्षक जो परीक्षा है कि उत्तर कुंजी जारी उत्तर अधीन सेवा चयन आयोग के रक्षक सचिवालय की भर्ती परीक्षा के कराने के बाद देर रात को इसकी उत्तर कुंजी भी जारी कर दी है। काफ़ी फास्ट काम चल रहा है तो उत्तर कुंजी भी आ चुकी है। आयोग के सचिव MS रावत ने बताया कि इस उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थी 24 मई तक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं 24 मई में, और आपत्ति दर्ज करने के बाद यह एक वेबसाइट पर 22 मई की सुबह में लिंक जारी किया जाएगा। आपत्ति के लिए अभ्यर्थियों की प्रश्न और उत्तर कुंजी प्रतिवेदन और साक्ष्य अपलोड करना होगा। 24 मई के बाद किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर पेपर जारी कर दिया गया। यदि आप किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत लगती है तो आप उसे आपत्ति के लिए भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।